दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक किडनी फंक्शन का इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रिएटिनिन किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री में हम करते हैं एयरबा की किट से। हमारे पास एक जो एयरबा की किट है इससे जो है हम क्रिएटिनिन टेस्ट करने वाले हैं। किडनी प्रोफाइल के और भी टेस्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें पड़ा हुआ है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे ब्लड यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये सारे इसमें किडनी प्रोफाइल टेस्ट के अंदर आते हैं। तो आज हम आपको जो एक सिंगल टेस्ट बताने वाले हैं क्रिएटिनिन किस तरीके से लगता है। तो हमारे पास ये जो रिएजेंट है एयरबा का, तो इसमें R1 और R2 ये दो रिएजेंट इसमें दिए हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो R1 है उसमें पिक्रिक एसिड रिएजेंट है, तो इसमें दो बॉक्स हैं जिसमें पिक्रिक एसिड है दोनों में, और एक इस तरफ जो दो बॉक्स रखे हुए हैं R2 उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट है। तो ये दो बॉक्स पिक्रिक एसिड की हैं और दो बॉक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की हैं, और एक ये आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा ये क्रिएटिनिन का स्टैंडर्ड है जिसका कंसंट्रेशन है 2.0 mg/dL। तो हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। सबसे पहले हमें इसका लिटरेचर पढ़ लेना है जो इसके अंदर किट के अंदर निकलता है, हमें प्रॉपर पढ़ लेना है किस तरीके से हमें प्रोसीजर करना है, कैसे हमें पैरामीटर बनाना है, कौन से मेथड से हम जो कर रहे हैं। ये जो हमारा क्रिएटिनिन है जेफी मेथड से हम जो करते हैं क्रिएटिनिन, इसको हमें पढ़ लेना है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हम क्यों लगाते हैं, एक किडनी फेलियर की कंडीशन में लगाते हैं। किडनी में अगर कोई सिस्ट हो जाता है या कोई कैंसर हो जाता है या स्टोन हो जाता है या क्रॉनिक डिसीज़ है या एक्यूट डिसीज़ है, तो सारा कुछ आपको इस लिटरेचर में पढ़ लेना है कि इसमें कौन से रिएजेंट यूज़ होने वाले हैं, पिक्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम इस रिएजेंट को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखते हैं। और आपको ये दिख रहा है ऐसे पैरामीटर, ये ऐसे पैरामीटर आपको पहली बार जब कोई किट न्यू अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तब आपको मशीन में सेट करना होता है। ऐसे प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं, इसमें आपको 1000 माइक्रोलीटर जो है टेस्ट में लेना है और 100 माइक्रोलीटर हमें सैंपल लेना है। हम चाहें तो इसका रिएजेंट हम इसको कम यूज़ कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी लैब में, तो हम इसको 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट ले सकते हैं और 50 माइक्रोलीटर सैंपल कर सकते हैं, उसका जस्ट आधा कर देंगे। तो इसमें हम R1 और R2 500 माइक्रोलीटर ले लेंगे, 250 माइक्रोलीटर दोनों में से, तो 500 माइक्रोलीटर हो जाएगा। हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने टेस्ट मार्क किया था। अब हमें क्या करना है, इस ट्यूब में R1 और R2 250 माइक्रोलीटर हमें इसमें ऐड करना है। तो हम इस पिपेट की हेल्प से इसमें हम सेट कर लेंगे 250 माइक्रोलीटर, और जो R1 है पिक्रिक एसिड ये हमें 250 माइक्रोलीटर उसमें लेना है। इसके बाद में हमें फिर 250 माइक्रोलीटर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है जो R2 है। तो हमने जो ये हमारे पास पिपेट है, पिपेट से हमने इसमें 250 माइक्रोलीटर R1 पिक्रिक एसिड इसमें से लिया हुआ है, इसमें से हम 250 माइक्रोलीटर इस तरीके से ले लेंगे। ध्यान रहे आपको इसमें पिपेटिंग बहुत ध्यान से करनी है, अगर आप रिएजेंट ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, आपको पिपेट बहुत अच्छे से इसमें करना होगा। जब हमने इसमें R1 डाल लिया है, इसके बाद में हमें क्या करना है, R2 जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमें उसमें ऐड करना है उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने टेस्ट मार्क किया है। तो हमने इसमें क्या किया है, R2 भी इसमें ऐड कर दिया है। ये जो काइनेटिक मेथड है इसलिए हमें इसको इंक्यूबेशन नहीं करना होता है, जो हमने रिएजेंट बनाया है इसमें सैंपल ऐड करके हमें तुरंत इसमें पिलाना है मशीन में। इसके बाद में आपको दिख रहा है कि ये डिस्प्ले इसमें आपको रन टेस्ट दिख रहा है और टेस्ट पैरामीटर दिख रहा है, तो हमें क्रिएटिनिन टेस्ट करना है तो हमें रन टेस्ट पे जाना है। एक नंबर पे हमने इसको दबा दिया, इसके बाद में हमें इसमें क्रिएटिनिन देखना है कहाँ पर है, तो CRE आपको इसमें दिख रहा होगा तो उस पर हमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमारा ये टेस्ट लगाने के लिए हम स्टार्ट, मशीन हमारी स्टार्ट है। तो हमें क्या करना है, ये जो कमांड करेगा वही हमें करना है। ये एस्पिरेट वाटर मांग रहा है तो हमने इसमें डिस्टिल वाटर एस्पिरेट कर दिया है। डिस्टिल वाटर इसमें एस्पिरेट करने के बाद में जो भी ये मशीन कमांड करेगा हमें वही करना है। तो डिस्टिल वाटर के बाद में ये मांग रहा है एस्पिरेट स्टैंडर्ड, तो हमें स्टैंडर्ड नहीं लगाना है, हमें तो टेस्ट लगाना है। अगर हमें स्टैंडर्ड लगाना होता तो हम यही सैंपल सेम बना के इसमें 50 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल देते, लेकिन हमें स्टैंडर्ड लगाना नहीं है। जब हम कोई नई किट खोलते हैं तब हम उसका पहली बार स्टैंडर्ड लगाते हैं, उसके बाद में हम टेस्ट लगाते रहते हैं। तो हमने क्या किया है, जो हमने सैंपल बनाया हुआ था 250 माइक्रोलीटर R1 और 250 माइक्रोलीटर R2, उसमें हमें क्या करना है, 50 माइक्रोलीटर हमें इसमें सैंपल डाल देना है और हमें तुरंत एस्पिरेट करना है। काइनेटिक मेथड से हमारी जो क्रिएटिनिन होती है
तो हमने ये मशीन पहले से सेट कर ली थी। इसके बाद में ये जो एस्पिरेट सैंपल में हमने इसको पिला दिया है, इसमें पिलाने के बाद में ये जो मशीन आगे जो है रीडिंग स्टार्ट कर देगी, एनालिसिस अपना अंदर स्टार्ट कर देगी। तो जो भी हमारा क्रिएटिनिन की वैल्यू होगी उस पेशेंट का, ये कैलकुलेट करके अपने आप दे देगा। ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये अंदर से अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है। तो हमारा ये जो अंदर स्टार्ट है कैलकुलेशन, ये अपना पूरा टाइम होने के बाद में एक मिनट या डेढ़ मिनट जो भी इसमें लगता है, उसके बाद में हमारा इसमें रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसमें सैंपल बनाया था रिएजेंट, और किस तरीके से हमने इसमें सैंपल ऐड किया था, और कैसे हमने मशीन सेट की थी। तो हमारा ये जो रीड टाइम पूरा हो चुका है, इसमें जो है पेशेंट का रिजल्ट आ चुका है 4.17, ये काफ़ी बड़ा हुआ है। इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या क्रॉनिक एक्यूट डिसीज़ इसमें कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें क्रिएटिनिन लगाते हैं सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर से, एयरबैग KM5 से। ये सारा प्रोसीजर जो है इसमें बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दूसरा टेस्ट करना है तो ये प्रीव्यू करके फिर से कोई भी दूसरा टेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हमने कितना रिएजेंट लिया है और कितना सैंपल लिया है, और मशीन को कैसे हमने सेट किया है, और किस तरीके से हमने इसमें एस्पिरेट किया है। तो सारा कुछ प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें स्टैंडर्ड हमने नहीं लगाया है, क्योंकि हमारी ये पुरानी किट थी, हम इसमें लगा चुके थे स्टैंडर्ड। अगर आपको स्टैंडर्ड लगाना हो तो सेम वही प्रोसीजर है, जितना हमने रिएजेंट उस टेस्ट के लिए बनाया था सेम उतना ही हम रिएजेंट बना लेंगे। और सैंपल की जगह हमें जो स्टैंडर्ड छोटा वाला बॉक्स था जिसमें 2.0 कंसंट्रेशन था, वो हमें 50 माइक्रोलीटर डाल देना है। तो स्टैंडर्ड की जगह स्टैंडर्ड पिला देना है। इसके बाद में फैक्टर सेट हो जाएगा, फैक्टर सेट हो जाने के बाद में हमें यस कर देना है। इसके बाद में हमें जो हमने सैंपल बनाया हुआ है टेस्ट वाले ट्यूब, तो हमें टेस्ट में पिला देनी है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।